तो चैन दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं फिर से एक बार आ चुके एक न्यू गेम प्ले सीरीज के साथ जिसका नाम है चू चू चार्ल्स। अब बेसिकली एक छोटा सा आइलैंड है जिसके अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, वो बहुत ही परेशान हैं, उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है और बहुत सारे लोग इसमें मारे जा चुके हैं, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी का कोई खुद ही, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मर चुके हैं। और वो क्यों मरे हैं, इन सब चीजों का रीजन है एक क्रिएचर जिसका नाम है चार्ल्स। चार्ल्स दिखता तो ट्रेन है लेकिन ये एक राक्षस है जो कि मकड़ी के रूप में, मतलब कि मकड़ी के पैर और शरीर है उसका ट्रेन जैसा। तो उसी का शिकार करने के लिए हमारे दोस्त ने हमें यहाँ पे कॉल करके बुलाया है जिसका नाम है यूजीन। It'll be the biggest attraction your city's ever seen and you can help an old friend. Yes, meet me on the docks at sunset. I hope you're ready for a little monster hunt. तो अब बारी ये देखने की कि हम उसको मार पाते हैं कि नहीं। तो चलो भाई। Yes, sir. They call him Charles. Half train, half giga spider from hell. We've been planning his demise for some time now and have nearly everything in order. Just a few people to meet and places to see. Simple errands, you know. Yes, sir. Welcome to Erinirum, the island where miners dig their own graves. Stay close. Charles isn't the only thing to fear around here. ओके, तो यहाँ पे हमारे दोस्त यूजीन ने हमसे कहा है कि भाई इस आइलैंड पे बहुत ही बड़ी मकड़ी के रूप में एक राक्षस या फिर जो भी कह सकते हैं वो है और उसको हमें हंट करना है। उसने ये भी कहा है कि मेरे दोस्तों को, मेरे बच्चे को और मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को उसने मार दिया है और ये बहुत ही दुखद घटना है। अब ये पूरा का पूरा जो आइलैंड है यानी कि गाँव है, ये उस चाल से पीड़ित है क्योंकि भाई तुम ही देखो, एक बड़ा सा राक्षस है जो कि अचानक से आता है और किसी का भाई, बहन, बच्चा जो भी उसको मिले उसको मार के खा जाता है। तो ये बहुत ही बुरी बात है। अब हमारे दोस्त यूजीन को ये लगता है कि हम उसको मार सकते हैं और मुझे भी लगता है कि मैं उसको मार पाऊंगा। अब मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ पे बुलाया तो उसका कुछ ना कुछ तो मकसद होगा। अब उसको मारने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो उसके बारे में उससे चल के थोड़ी बातचीत कर लेता हूँ। There's a train shed at the top of the hill. Okay, तो यहाँ पे एक ट्रेन है जो कि वहाँ पे एक छोटा सा गोडाउन या फिर जो भी है उसके अंदर है। One of the train operators was killed early on by the beast, so his old engine should be in there. तो इसका कहना ये है कि यहाँ पे एक ऑपरेटर था ट्रेन का जिसको कि चार्ल्स ने मार दिया है। अब चार्ल्स ने उस ऑपरेटर को तो मार दिया लेकिन उस ट्रेन का इंजन अब भी पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा पुराना है लेकिन अब भी है। If we can get to it, it could be an indispensable tool on our journey. तो ये कह रहा है कि अगर हमने उसको ले लिया तो ये टूल हमें बहुत ज्यादा मदद करने वाला है हमारे सफर में। Stay close. We don't want to be exposed for too long. अब यूजीन हमसे कह रहा है कि भाई तुम मेरे क्लोज क्लोज ही रहना, अगर ज्यादा दूर जाओगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो चलो भाई। अरे इतना दूर क्या भाग रहा है भाई, इतना क्या फट रही तेरी? वैसे फट तो मेरी भी रही है। ये एकदम ही डरावना जंगल लग रहा है मेरे को, लेकिन लाइटें वाइटें बढ़िया लगा रखी है इन लोगों ने। ऑब्वियसली यहाँ पे जंगल में कौन कहाँ से आ जाए इसकी हमें बिल्कुल भी खबर नहीं होगी। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे अपने गोडाउन पे आ चुके हैं और ये ट्रेन की पटरी है, ऑब्वियसली इसके अंदर ही ट्रेन होगी। क्या है भाई, चलना अंदर। अच्छा तो इसका दरवाजा लॉक्ड है। कहाँ है भाई इसकी चाबी, कहाँ है, क्या है? Shucks, it's locked. हाँ, लॉक तो है। Not to worry, we can still find a way in. कहाँ से? There's a small shack up the path that might have a key inside. अच्छा तो उसकी की है कहीं पे? Take this map. I just marked the location on it. Okay, तो हमारे मैप पे इसने लोकेशन कर दिए मार्क जहाँ पे हमें मिलेगी वो की। See if the key is up there. And I'll look around some more down here. Okay, Eugene, okay. तो यहाँ पे हमें किसने रास्ता बताया जिसके अंदर हमें की मिलेगी इस गोडाउन की, तो ये वही है। लेकिन एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैप में। अच्छा तो हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, यही वो रास्ता है जहाँ से हमें की मिलने वाली है। ओके, तो हम यहाँ पे जा रहे हैं, काफी पास में ही है की, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली मुझे। ओके, हम यहाँ पे की मिल चुके हैं, तो चल भाई चलते हैं गोडाउन के पास में फटाफट से। चल भाई जल्दी जल्दी चल, वरना चार्ल्स आ गया ना तो मार मार के कुत्ता बना देगा। Good on you. Looks like you found it. Yep, yep. Open up that door and lead the way. चलो।
तो ये वो ट्रेन है जिससे हमें चार्ल्स को मारना है। अभी ऑब्वियसली ये ट्रेन ज्यादा मजबूत तो मुझे नहीं लग रही क्योंकि ये काफी दिनों से यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन इसके ऊपर एक गन भी लगी हुई है जिसको मैं थोड़ा सा पास से देखता हूँ। ओके, तो ये गन एकदम बेसिक है लेकिन शायद शुरुआत में यही हमें काम चलाऊ करनी पड़ेगी। इसके ऊपर पान वान खा के थूका है क्या किसी ने? ये क्या है बकचोदी? और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल सकती है क्या मुझे? यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो चलो एक बार इससे बात ही कर लेते हैं। यूजिन भाई क्या है भाई ये? That's what I'm talking about. अच्छा, She's an oldie but a goodie. उसने कहा कि भाई ये ओल्ड है लेकिन बहुत ही बढ़िया है। I'm going to inspect the train's exterior. Why don't you take a peek inside? See what we got to work with. Okay, चलो चलो भाई अंदर आ जाते हैं, एक बार हमारी ट्रेन को ध्यान से देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। अच्छा, ये अपनी गन है तो इससे हम उस चार्ल्स को मारने में यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लू क्या? AKM M4 वगैरह नहीं है क्या इधर कुछ? ये तो मेरे को ये म्यूटेंट जैसा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, अंदर जाके थोड़ा सा देख लेते हैं। और अच्छा, तो यहाँ पे हमें 3 लीवर दिए गए हैं। यहाँ पे ये बाण आगे जा रहा है इसका मतलब इससे वो आगे जाएगी ट्रेन, ये पीछे आ रहा है इसका मतलब इससे पीछे जाएगी, और ये है स्टॉप का बटन जो कि यूनिवर्सल होता है। तो चलो भाई इसके बारे में तो मैं समझ चुका हूँ, लेकिन ये एक मैप दिख रहा है हमारी ट्रेन का। अच्छा, तो यहाँ पे हमें ट्रेन की हेल्थ, उसकी स्पीड, डैमेज लेवल हमारे वेपन्स का, और आर्मर लेवल मतलब कि हमारी रक्षा करने वाला आर्मर। अब हमारे ट्रेन की हेल्थ जो है वो फुल है लेकिन स्पीड लेवल बहुत कम है, और ऑब्वियसली बाकी सारी चीजें भी बहुत कम है, लेकिन हम इसको बढ़ा सकते हैं कैसे? वो हमारे स्क्रैप्स से। अब स्क्रैप्स हमें यहाँ वहाँ गेम में पड़े हुए मिल सकते हैं, जहाँ भी मिले उसको उठा लेना है और हमारी ट्रेन को जितना हो सके उतना अपग्रेड करना है। इसकी स्पीड बढ़ानी है, डैमेज लेवल बढ़ाना है हमारे वेपन्स का ऑब्वियसली। ओके, तो हमारे यूजिन से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं फिर से एक बार। Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be intact. Okay. That gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island, but it sure looks fun to use. अच्छा। We can light up Charles with it and take him down before he even sees us coming. Are you ready to take this thing for a spin? Yeah, why not? तो चलो भाई अब करते शुरुआत हमारे सफर की। What the fuck? सीधा दरवाजा तोड़ के बाहर निकले भाई। चार्ल्स के लिए कमिंग फॉर। Do you hear him? वो आ गया। It's him! It's him! Get to the gun! Grab him! Grab him! Careful! Don't let the gun overheat! He's not. क्या था भाई ये? आई थिंक उसने यूजिन को मार दिया है। भाई यूजिन के चीथड़े उड़ा दे उसने, वापस तो नहीं आएगा ना वो? This isn't how things were supposed to end. I thought we could still fight like the old days. Yes, sir. Easy in, easy out. You'll need to do more than I thought, but I don't have time to explain. Find the eggs. Find the eggs? Find my son. भाई इकलौता दोस्त था हमारा यहाँ पे जिसको चार्ल्स ने मार दिया, और अब यहाँ से, और मुझे लगता है कि अब यहाँ से अपना सफर अकेले अपने को तय करना पड़ेगा। इसको इतनी बुरी मौत मिली है मैं सोच भी नहीं पा रहा, मेरी आंखों के सामने इसको मार दिया लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि भाई तुमने देखा होगा कि चार्ल्स कितना बड़ा है और मेरा जो हथियार है उसको मारने के बिल्कुल भी काबिल नहीं था। तो इसलिए हमारे यूजिन की मौत हो चुकी है यहाँ पे। अब इसने हमें 2 बातें बताई है जिसमें से पहली बात है कि फाइंड द एग्स, मतलब कि हमें अंडे ढूंढने हैं, और दूसरी बात जो इसने मुझे कही है ये बहुत ही इमोशनल थी। इसने कहा कि भाई मेरे बच्चे को भी ढूंढो, शायद इसका बच्चा भी चार्ल्स ने चुरा लिया है। शुरुआत ही बहुत ही बुरी हुई हमारी। क्या मैं सच में इसको बचा सकता था? आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि अब यहाँ से मुझे निकलना चाहिए, क्योंकि अगर चार्ल्स वापस आ गया ना तो कसम से बोल रहा हूँ हम उसको बिल्कुल भी नहीं मार पाएंगे। मुझे एक बार देखने दो कि क्या क्या करना पड़ेगा हमें।
ओके तो हम अभी यहाँ पे हैं और अब हमें जाना है शायद से आगे। यहाँ पे बहुत सारे मिशंस है, ऑप्शनल मिशंस है, ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, ये रिक्वायर्ड मिशन है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ये भी ऑप्शनल है। तो पहले हम यहाँ पे इस वाले मिशंस को करेंगे, ये वाला और ये वाला, और उसके बाद में ये इम्पॉर्टेंट है ही, और ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें वेपन मिलने वाला है, शायद वेपन मिशन। तो पहले चलते हैं आगे। ये गेम मैं जितना सोच रहा था उससे ज़्यादा हॉरर दिख रहा है मेरे को। अब सच कहूँ तो मैं हॉरर गेम्स वगैरह कभी नहीं खेला हूँ, तो मुझे उसकी आदत नहीं है ज़्यादा। अब सच कहूँ तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा, लेकिन बस मेरा एक दोस्त मर चुका है। रुको, यहाँ पे आग जल रही है, कुछ तो होगा यहाँ पे। अरे मेरी ट्रेन, रुक जा, अरे रुक जा ये। अच्छा रुक गए, रुके रुके। क्या यहाँ पे मुझे कुछ स्क्रैप्स मिलेंगे? हाँ, और स्क्रैप, सिर्फ एक स्क्रैप मिला है। एक स्क्रैप में क्या होगा, मेरी ट्रेन की हेल्थ भी पूरी नहीं होगी उसमें। तो वैसे एक स्क्रैप मतलब ऊँट के मुंह में जीरे जैसा है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। तो हम थोड़ा सा अपनी ट्रेन की हेल्थ बढ़ा देते हैं, ओके, और चलते थोड़ा सा आगे। भाई इसमें ऐसे जानवरों की आवाज़ आ रही ना, जैसा लग रहा है कि भाई कोई बंदर चिल्ला रहा है। एक मिनट, यहाँ पे मुझे लीवर खींचना पड़ेगा ताकि मैं इस साइड जा सकूँ, क्योंकि मुझे इस साइड नहीं जाना है। मैं पहले राइट साइड वाले मिशंस करने वाला हूँ, ये वाले। तो पहला हमारा ये मिशन रहेगा, तो इसको पहले खींचता हूँ। ओके तो हमारा रास्ता बन चुका है शायद से, तो चलते। भाई रास्ता तो बढ़िया है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। चलते आगे, फालतू में चाल सा गया तो मार मार के शेर बना देगा। ये चाल की आवाज है क्या? आई डोंट वांट टू फाइट विद हिम राइट नाउ। यहाँ पे एक घर दिख रहा है मुझे, मैं इस घर में जाने की कोशिश करता हूँ। हेलो लेडी, हेलो मैम, हेलो। यूजीन टोल्ड अस वी हैव अ न्यूकमर सून, आई सपोज दैट वुड बी यू। यस मैं ही वो। There's some scrap metal in the balcony room of my house that you could use to repair and upgrade your train. Here's the key. And although the balcony is right behind me, I'll just mark it on your map anyway. As a side note, talk to anyone around here and they'll do whatever they can to help. Anyone not wearing a mask, that is. Not wearing a mask, that is. Achha. Check out the balcony and good luck with everything. तो इसने हमें ये कहा है कि भाई अपनी बालकनी में थोड़े से स्क्रैप्स पड़े हुए हैं, तो मैं उसको उठा लूँ ताकि मैं थोड़ा सा उसका यूज़ कर सकूँ। और इसने एक और बात, एक मिनट, चार्ल्स की आवाज़। और इसने मुझे एक दो बातें और कही है, जिसमें से एक बात यह है कि भाई तुम अगर किसी की हेल्प करते हो तो तुम्हें स्क्रैप्स वगैरह मिलेंगे, जिससे तुम अपनी ट्रेन वगैरह, वेपन, ये वो अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन हेल्प तुम उसी की करना जिसने मास्क नहीं पहना हुआ है। इसका मतलब जो भी बंदा यहाँ पे मास्क पहनता है उससे थोड़ा सा दूरी रहना पड़ेगा। ये क्या है? We've been waiting as patiently as we can, but the past few days been chaotic. To say at least, Charles has been more aggressive lately, to the point where I'm starting to fear how many of us will be left by the time help arrive. Godspeed, Eugene. इसका कहना ये है कि भाई कुछ दिनों से चार्ल्स कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो चुका है। आई डोंट नो व्हाई, मैं आने वाला था उसको पता चल गया था क्या? और यार फालतू में डैमेज ले लिया मैंने, लेकिन फटाफट से चलते हैं अब यहाँ से, क्योंकि हमारा काम हो चुका है। हमें जितने स्क्रैप्स चाहिए थे हमने उठा लिए हैं। और आगे की तरफ ये क्या है, ये बक्सा है क्या कोई? क्या इसमें कुछ मुझे मिलने वाला है? ओके स्क्रैप्स, हा 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 हा। अब हमारे पास कितने स्क्रैप्स है इन्वेंट्री में देखते हैं। 15 स्क्रैप्स हमारे पास जम चुके हैं, लेकिन यार 15 स्क्रैप्स में क्या ही होगा, एक फाइट हो सकती है चाल से। अब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है। एक मिशन हमने कंप्लीट कर लिया है, अब बारी है इस वाले मिशन की। मैं थोड़ा सा अपनी ट्रेन को अपग्रेड कर लूँ क्या? इसकी हेल्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ओके। स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ा दूँगा, 10 स्क्रैप से मेरे पास, थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा देता हूँ फिर। ओके तो हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ चुकी है। और यहाँ पर क्या है, ये क्या है? यहाँ पर स्क्रैप्स मिल रहे हैं मुझे, शायद उठा ले भाई जितने भी स्क्रैप्स मिले, फटाफट से उठा ले, कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। ये डब्बा नहीं खुल रहा है डब्बा फ़िलहाल तो। इस साइड मुझे लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा स्क्रैप्स मिलने वाले।
अरे मिल रहा है, मिल रहा है। ऑल राइट, तो हमने यहाँ पे सारे स्क्रैप्स खत्म कर दिए, मतलब कि उठा लिए हैं। अब चलते थोड़ा सा आगे, जो कि हमारा मिशन है जिसको हम यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए आए हैं, उसको थोड़ा सा देखते जाके। यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, ये दरवाजा। ओह हेलो। Look, kid. I know you're supposed to be some fancy pants monster hunter. One of Warren's goons dumped a locked chest in the yard last night. After beating on it for a few hours, I didn't break anything but a sweat. अच्छा, तो एक रात पहले वॉरेंस नाम के बंदे के गुंडों ने यहाँ पे एक डब्बा लाके रखा है, और बहुत कोशिशें करने के बावजूद वो डब्बा नहीं खुला। I got some lock picks, but I don't know how to use them. Here, take them. If you can get that chest open. तो हमें वो डब्बा खोलना है ताकि ये हमें थोड़े से स्क्रैप्स वगैरह दे सके। बेसिकली हमने पीछे एक डब्बा देखा था, उसी को हमें खोलने की बात कर रहा है ये बंदा। तो ये रहा वो डब्बा जिसको हम खोलेंगे। अब यहाँ पे एक लॉक है जिसको मैं लगता है आसानी से। ओ शेट, ये लो, ये ले, ये ले। अब लास्ट, ये दो तीन। चलो भाई, अच्छा तो इसके अंदर कुछ तो था जो हमें नहीं दिखना है बिल्कुल भी, हमें बस स्क्रैप्स से मतलब है। तो फटाफट से चलते हमारे उस बंदे के पास में जो कि सौदागर इसके अंदर बैठा हुआ है। चल भाई, ये ले तेरी चीज। Well, fancy fingers here got the chest unlocked. That's an odd looking piece of junk you found inside there. You earned my respect. So here's some scraps, like I promised. अच्छा ठीक है, हमें इसने थोड़े से स्क्रैप्स वगैरह दे दिए। कितने स्क्रैप दिए इस बंदे ने हमें? दो नहीं, काफी सारे स्क्रैप दिए। अच्छा है भाई, तो चलो भाई मैं चलता हूँ, ठीक है? हाँ टकले, बाय बाय। ऑल राइट, तो हमने ये मिशन भी पूरा कर लिया है। अब हमें जाना है शायद से आगे की तरफ, इस वाले मिशन पे, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास है। लेकिन अब मुझे लगता है कि चार्ल्स हम पे हमला करने वाला है, क्योंकि बहुत देर हो चुके। एक मिनट रुक जाओ। हेलो मैडम, स्क्रैप उठाने तो पहले, बाद में। भाई मेरी ट्रेन इतनी आगे क्यों जा रही है? ओह हेलो, द मॉन्स्टर हंटर हैज अराइव्ड, आई सी। हाँ मैं ही वो। This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficiently harmed. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. Dispersed around the island are three eggs, locked in the island's three primary mines. Okay, तो इसी आइलैंड की कुछ गुफाएं हैं जिनके अंदर तीन अंडे हैं, जिसके बाद हमारा यूजिन कर रहा था। Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke Charles into a fight to the death. अब इसका कहना यह है कि अगर वो तीनों की तीनों एग हम चुरा के गांव के एक टेंपल में रखते, तो वहां पे हम चार्ल्स को बुला सकते हैं, और वहां पे बुला के अगर हम उससे फाइट करते हैं तो वहां पे हम उसको मार सकते हैं। उसके बिना उसको मारना नामुमकिन है, क्योंकि चार्ल्स शायद अमर है, लेकिन अगर हम उन एग्स को वहां पे रख देंगे तो उसकी जो अमरता है वो खत्म हो सकती है, मे बी। यहां तक तो मुझे समझ में आ चुका है। अब चलते थोड़ा सा आगे। अनफॉर्चुनेटली द माइनिंग कंपनी ओनर वॉरेन चार्ल्स III हैज प्लेस्ड आर्म्ड गार्ड्स इनसाइड ईच mine to protect the eggs. अच्छा, तो उस गुफाओं का एक ओनर है, उसका नाम है वॉरेन चार्ल्स III। उसने वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी लगा रखी है ताकि वो उस एग्स को प्रोटेक्ट कर सके। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो उस एग्स को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहता है। There's an egg in the mine just down the rail. Here's the key to the mine. I've marked the entrance on your map. अच्छा, तो एक अंडा यहाँ पे आसपास ही कहीं पे है। थैंक यू सो मच मैम। अब इसने हमें एक चाबी दी है, और उसके साथ में हमारे मैप पे उसने एक मार्क कर दिया है जो कि यहाँ पे है। अच्छा, तो मैं भी यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ। अच्छा, तो पहले मैं ये वेपन मिशन करना चाहूँगा, ये तो बाद में कर लेंगे। अंडे वगैरह चुराने की बातें, अंडे तो मैं चुराता हूँ दुकान से लोगों के। अच्छा तो ये, अरे भाई साहब, इसका तो पूरा घर जल चुका है। क्या हो गया भाई इसके साथ, ये क्या हो गया भाई? हैं, तेरा घर पूरा का पूरा जल गया, इसका पूरा घर जल रहा है, और ये बंदा देखो यहाँ पे एकदम शांति से बैठा हुआ है, ठुमकी मार रहा है क्या? ये देखो हाथ वाथ फैला रहा है। भाई तेरा घर जल चुका है, क्या कर रहा है तू? I made a little flamethrower as an addition to my spider train home defense plan, but as you can see, that is slightly backfired. Nearly cooked myself alive in that shed as I was testing it. Shoot dang. I would love to save the shed, though. If an flamethrower somehow still works after the fire, I'd assume you're the monster. अच्छा, तो इसने एक फ्लेमथ्रोवर बनाया था, लेकिन गलती से उससे चल गया तो उसका पूरा घर जल गया है, और इसे हमें करना है बंद। अब यहाँ पे ये देखो, इतना आसान काम था भाई, पूरा घर अरे
इतना आसान काम था, पूरा घर जल रहा है इसका, लेकिन इसको कोई खबर नहीं है। मस्त वहाँ पे बाहर टहल रहा है। ये लो भाई, थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के हम इसको बुझा देते हैं। ओके, तो इसका घर यहाँ पे बुझ चुका है। गिर गया नीचे। इसका घर बुझ चुका है तो यहाँ पे इसका वादा निभाने का टाइम आ चुका है। इसने हमसे कहा था कि भाई अगर तू हमारा घर बुझा देगा तो मैं तेरे को वो फ्लेम थ्रोवर दे दूंगा। तो भाई दे दे भाई अब। Using the water tank to put out the fire. Pure genius. Woohoo! Here, take old bug spray. Okay. तो इसने हमें एक स्प्रे दे दिया है, मतलब कि बग स्प्रे। शायद कीड़े मारने का ये स्प्रे है, लेकिन आग से मारने पड़ते हैं कीड़े, पता नहीं यार क्या ये। तो अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। एक चाबी उस माइन की, स्क्रैप से हमारे पास 37। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, लेकिन अब बारी यहाँ से निकलने की। मुझे एक बार देखने दो मैप में। हमने यहाँ पे दो मिशंस कंप्लीट कर चुके हैं, अब बारी है यहाँ पे माइंस में जाने की। तो चलते हैं फटाफट से यहाँ से निकलते हैं हमारी। अरे मेरी ट्रेन कहाँ पे चली गई रास्ते में, ये रही। चलो भाई, मैं यहाँ पे टेंशन में आ गया कि भाई अब तक चार्ल्स ने मेरे पे हमला क्यों नहीं किया। एक ही बार हमला किया और फिर उसके बाद में वो घटिया इंसान भाग गया। और अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये देखो, ये दिया है हमें उसने। देखो चला के दिखाता हूँ, ये देखो आग। लेकिन इतना भी काम करना, ये हमारी गन ही बहुत बढ़िया है, तो इसको ही पहले लगा देता हूँ। और अब चलते थोड़ा सा आगे। एक बार तो चार्ल्स के साथ फाइट होनी है अपनी, क्योंकि भाई मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से वो हमें अंडा अचीव करने देगा। ओके, तो हमारे माइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे, ओ चार्ल्स, चार्ल्स की आवाज़ आई थी अभी। मेरी ट्रेन बहुत दूर जा चुकी है यार। मुझे फटाफट से यहाँ से स्क्रैप्स उठा के तुरंत उसके अंदर जाना पड़ेगा, माइन के अंदर, क्योंकि वहीं पे हमें एक अंडा मिलने वाला है ब्रो। यहाँ पे कुछ है क्या? अच्छा, स्क्रैप मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छी बात है स्क्रैप मिल रहे हैं हमको। चलो, अरे ये क्या हो गया? और इस बंदी ने हमें इसकी चाबी दी थी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई हमें। क्या है भाई ये? छोड़ो, मुझे नहीं देखना ये सब, बाहर में जाए। इस तरफ क्या है? कुछ नहीं है, एक स्क्रैप मिला है बस हमें। ओके, तो हमें आगे जाना है शायद, इस साइड या इस साइड। इस साइड चलता हूँ पहले। ये क्या है? हरा पेंट मिला है हमें, क्या करना है भाई इसका? मेरी ट्रेन रंगा दो क्या? आगे चलते थोड़ा और। भाई इसमें मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर लग रहा। भाई चार्ल्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है। क्या मैं वापस आ चुका हूँ? चूतिया हूँ क्या मैं? चलो वापस। जी भाई, उस बंदे ने ये भी कहा था कि इसके अंदर गार्ड्स है, तो मुझे थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चार्ल्स आ चुका है? सीटी की आवाज़ आ रही है मुझे। क्या यहाँ पे कोई? ये 100% उसी गार्ड की आवाज़ है। No trespass. Oh shit. The fuck. कहाँ पे है? मार देगा यार ये मुझे। Shit. -3 scraps. हरामखोर पता नहीं अचानक से कहाँ से आ गया यार ये। उस लेडी ने हमें बताया था कि भाई जो मास्क वाले बंदे हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहना। इसके मुंह के ऊपर एक मास्क था और वो भी चार्ल्स का। लेकिन इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करने वाला, मुझे वो अंडा चाहिए, मतलब चाहिए। आई थिंक मैं वहीं पे रिस्पॉन हुआ हूँ। चार्ल्स की आवाज़ अब भी आ ही रही है मुझे। मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। भाई मुझे लग रहा है 100% चार्ल्स आएगा। क्या चार्ल्स आ चुका है? चार्ल्स, ओ शिट। अरे भाई यार ऐसे अचानक से क्यों आता है तू हरामखोर? मेरी गन वो हो चुकी है। मुझे तुरंत जाके हेल्थ बढ़ानी पड़ेगी ट्रेन की।
हरामखोर चला जाना यहाँ से। क्या कर रहा है तू, क्यों मार रहा है मुझे? जा निकल जा हरामी। भाई ये मुझे मार के ही छोड़ेगा लग रहा। चला गया चला गया चला गया चला गया। ओ भाई चला गया। सब कुछ ठीक है? मैं कहाँ पे आ चुका हूँ अब? ओ भाई मैं माइन से बहुत दूर आ चुका हूँ यार। ओह शिट, अब मुझे लगता है वापस जाना पड़ेगा भाई। 500 किलोमीटर वापस आ चुका हूँ उसके चक्कर में। अचानक से जानवर की तरह वो घुस के आ चुका था तो मुझे यहाँ से भागना ही पड़ा। ऑब्वियसली भागना ही पड़ता यार, वरना वो मार मार के कुत्ता बना देता। अब मेरे पास क्या क्या है मुझे देखने दो एक बार। 15 स्क्रैप्स बचे हुए, डैमेज लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ क्या मैं? नहीं, मैं अपनी ट्रेन को फुल करूँगा पहले, मुझे नहीं करना कुछ भी। ट्रेन की स्पीड बढ़िया है, उसका डैमेज भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अपना खुद का डैमेज बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा और ज़्यादा। ओके, इसका भी थोड़ा डैमेज बढ़ा देता हूँ। नो स्क्रैप, चलो तब तक अपनी मंजिल भी आने ही वाली है। मुझे उसके अंदर जाके वो एक बार एग लेना है, उसके बाद में मैं देख लूँगा क्या करना है। तो ओके, तो हमारी माइन आ चुकी है तो मैं तुरंत ब्रेक मार देता हूँ। रुक जा भाई, यहाँ पे ना माइन। चलो भाई, उस हराम खोर ने मुझे मार मार के सुअर बना दिया था। अब मेरे पास एक भी स्क्रैप बचा हुआ नहीं है तो मुझे रास्ते में स्क्रैप्स भी ढूंढने पड़ेंगे। अगर मिल गया तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन उससे पहले मुझे वो एग लेना है कुछ भी करके। मैं कुछ भी नहीं देखने वाला, मैं तुरंत जाने वाला हूँ और एग लेके निकल जाऊँगा। कहाँ पे एक गिरा एग? ओके, एग मैंने ले लिया है। कहाँ से बाहर जाना है भाई? उस गार्ड की आवाज़ तो आ रही है मुझे, लेकिन बाहर कहाँ से जाना है मैं समझ नहीं पा रहा। क्या इसके अंदर से जा? ओह शिट, बाहर कहाँ से जाना है यार? यहाँ से कैसे निकलना है? ओह शिट, पकड़ लिया उसने भाई। मैं नहीं, मेरी गलती हो गई भाई, मुझे माफ कर दे, मैं चाह रहा हूं। भाई यहाँ पे मेरी फटके हाथ में आ चुके हैं, क्योंकि मेरे पास गन नहीं है ना, इसी वजह से मैं उसको मार नहीं पाऊंगा। अगर ये मेरी ट्रेन के पास आ गया ना तो मार मार के इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। क्या वो बंदा मेरे पीछे आ रहा है? आ रहा है, आ रहा, आ रहा, आ रहा। भाग 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 भाग, ये स्क्रैप उठाने तो पहले। लालच नहीं जाता मन के अंदर से, और अब बारी है इसको, इसको दिखाता हूँ अब मैं क्या हूँ। तो कहाँ पे? ये ले, ये ले भाई, इतना होशियार हरामखोर। कब से डराने की कोशिश कर रहा था मुझे, लेकिन अब तो इसका काम 25 हो गया ना। क्या मुझे नीचे थोड़े स्क्रैप्स मिले? ये रहा स्क्रैप। क्या इसके पास भी थोड़ा स्क्रैप्स वगैरह? ये देखो, उस बंदी ने बताया था कि भाई जिसके मुंह पे मास्क होगा उस पे भरोसा बिल्कुल भी मत करना। तो ओके, नहीं किया भरोसा। अब मुझे एक बार देखने दो कि मुझे वो एग मिला है या फिर, अरे उठाना क्या कर रहा है, मुझे एक बार देखना है कि भाई मैंने वो एग उठाया है या फिर नहीं। मतलब कि देखना है मुझे बेसिकली कि वो कैसा दिखता है एग। तो थोड़ा सा अंदर घर के जाता हूँ और यहाँ पर चुपके से देखता हूँ। ये देखो भाई, ये है वो एग जिसकी मैं बात कर रहा था। अब हमें एक एग तो मिल चुका है, लेकिन दूसरा एग मिलना बाकी है और उसके बाद में तीसरा भी। इसका मतलब वहाँ पे भी बहुत सारा एडवेंचर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन वो एडवेंचर हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू।